नारों से गूंज रहा है ये पंडाल, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारों से। भारत ना प्रणेता, वैश्विक नेता एवं गुजरात ना पनोता पुत्र, भारत देश ना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री आपणी वच्चे छे, हर्षोल्लास साथे तेओने आवकारिए। गुजरातनी जनता तरफ તેઓનો અખૂટ પ્રેમ અહીંયા આપણે નિહાળી રહ્યા છીએ। જ્યારે તેઓ સૌને મળવા અતિ ઉત્સુક, અતિ આતુર છે। આવો ફરીથી માં ભારતીનો જય જયકાર કરીએ। ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી। દેશના આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી સૌનો મીઠો આવકાર ઝીલતા, અભિવાદન ઝીલતા સભા મંડપમાં સૌને મળવા, સૌને સૌનો આવકાર ઝીલતા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી, આપની સમક્ષ ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી અને નવસારીના માનનીય સાંસદ શ્રી સાથે મોદીનો ગુંજારવ થઈ જાય। સભા મંડપ થી પ્રસ્થાન કરી અને મંચસ્થ પધારશે। આપ સૌને નમ્ર નિવેદન છે કે આપ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો। तो प्रधानमंत्री नवसारी में पहुंचे हैं सभा स्थल पर, और यहां अनेक परियोजनाएं नवसारी को आज मिलने वाली हैं। तो गुजरात के लिए और नवसारी के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में जो उत्साह है लोगों के बीच वो भी चरम है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उनके जीवन में इतना व्यक्ति जो परिवर्तन लेकर आया है, सार्थक सकारात्मक परिवर्तन, वो कुछ और उपहार के साथ, कुछ और सौगात के साथ आया है, तो ऐसे में उनका अभिनंदन करना, उनका स्वागत करना, ये निश्चित तौर पर उस परंपरा का पालन कर रहे हैं नवसारी के लोग। और बड़ी भारी संख्या में महिलाओं का दल देखिए, जो पुरुषों का बुजुर्ग है वो भी पहुंचे हुए हैं, और कुछ महिलाएं देखी जा सकती हैं बच्चों को गोद में लेकर पहुंची हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। तो ये तमाम जो लोग हैं वो स्वतः स्फूर्त है प्रधानमंत्री का ये स्वागत। और एक जो आकर्षण है प्रधानमंत्री का, जो लोकप्रियता है, वो शीर्ष पर है, और बल्कि ये कहा जाए कि वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है तो गलत नहीं होगा। ये तस्वीरें कम से कम यही बयां करती हैं। महिलाओं का दल, महिलाओं, तमाम बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं। प्रधानमंत्री की योजनाओं के केंद्र में महिला और युवा जरूर रहे हैं, गरीब रहे हैं, और प्रधानमंत्री तमाम अपने संबोधनों में इस बात को कहते रहे हैं कि जो पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक, जो वंचित है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, उनके लिए खड़े हैं, और उनके विकास की, उनकी प्रगति की गारंटी मोदी की गारंटी है। और ऐसे में जो व्यक्ति ये गारंटी देकर, गारंटी शुदा तरीके से काम पूरे कराता हो, तो जाहिर तौर पर है वो लोगों के दिलों पर राज करेगा। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, और यही वजह है कि आज चाहे सुबह वो अहमदाबाद की बात रही हो या फिर मेहसाणा की बात रही हो, और अब नवसारी में बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए
उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े हैं। प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और नवसारी के सांसद भी मौजूद हैं और बड़ी संख्या में महिलाओं का एक दल जिसमें जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आगे आगे प्रधानमंत्री की गाड़ी से के आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत करने का ये एक अनोखा तरीका है और इस दृश्य को और आकर्षक बनाता है। दरअसल आप अपने टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री भी सभी का अभिवादन कर रहे हैं। बहुत सारे जो युवा हैं यहाँ पर वो मोबाइल कैमरों से इन क्षणों को कैद कर रहे हैं ताकि ये जो स्मरण है, ये जो पल है, इसको चिर स्मरणीय बनाया जा सके, हमेशा याद रहने वाला पल बनाया जा सके। तस्वीरों के माध्यम से कोई सेल्फी ले रहा है, लेने की कोशिश दरअसल कर रहा है और कोई प्रधानमंत्री की तस्वीरें उतार रहा है। अपनी मौजूदगी दर्ज कराने भी लोगों का उनके लिए एक विषय है और ऐसे में नारे लगाकर बाजे गाजे के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। जो एक संवेद स्वर है, जो शोर है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। तो गुजरात का दौरा प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण दौरा, विकास की तमाम योजनाएं अहमदाबाद से लेकर बनासकांठा, नवसारी और तमाम दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को, तमाम दूसरे ज़िलों को मिल रही हैं, जिसमें परमाणु ऊर्जा से जुड़े हुए संयंत्र, स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं। उसके अलावा जो डेयरी प्रोजेक्ट्स हैं उनके स्वर्ण जयंती समारोह में प्रधानमंत्री सुबह उन्होंने शिरकत की। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्वर्ण जयंती समारोह था वो, और उसके साथ ही साथ मेहसाणा में 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया उन्होंने, और उस मौके पर उन्होंने